नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिनव तुषांशु पांडे। आप सभी का स्वागत है अभिप्सा की पूरी टीम की तरफ से। हम लोगों ने बातचीत शुरू कर दी थी विद्युत धारा और उसके इस चैप्टर में जो है जितने भी पूर्व प्रश्न पत्रों में पूछे गए प्रश्न हैं उन सारे विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कक्षा 12वीं की भौतिकी के लिए मैं अभिनव तुषांशु पांडे आपके सामने हाजिर हूँ। इसके अलावा सारे विषयों पर हम आपको पूरे परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। आप हमारे एप्लीकेशन में आए, प्ले स्टोर में यह उपलब्ध है और यहाँ पर आपको विशेष सुविधाएं भी मिलेंगी। तो चलिए हम देखते हैं कि हम लोगों ने अनुगमन वेग के बारे में बात किया था, हम लोगों ने बात की थी इसके बारे में, यहाँ पर जो है ओम के नियम का सत्यापन किया था, हम लोगों ने विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर भी स्पष्ट कर लिया, हम लोगों ने बहुत सारे और भी प्रश्न देखे और इन प्रश्नों की सहायता से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और इसी सिलसिले में अब हमारा जो है अगला विषय जो चर्चा का है वह क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पर जो है हमारा अगला प्रश्न है कि यदि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो तो उसे किस क्रम में जोड़ने पर अधिकतम धारा प्राप्त होगी, हमें धारा ज्यादा प्राप्त करनी है। प्रश्न कब का है, 2022 का है। इसी प्रश्न को देखिए, सेलों को श्रेणी क्रम में किस प्रकार से संयोजित किया जाता है और इस संयोजन से बाह्य परिपथ में बनने वाली विद्युत धारा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। आगे और हम क्या देख सकते हैं, यदि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ही अधिक हो तो किस क्रम में जोड़ने पर अधिकतम धारा प्राप्त होगी, ये भी 2020 का प्रश्न है। तो इन सारे चीजों के लिए हमको विद्युत सेल को जो है अलग अलग तरीके से जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि ये जो है विद्युत सेल है जिसका हम लोगों ने मान लिया कि आंतरिक प्रतिरोध E है, नहीं EMF E है, और इसे क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध को जो है हम इसके श्रेणी क्रम में रखते हैं तो ये R1 हो गया। इसी तरीके से या आर ही ले लो, चलिए। अब इसको जो है हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं, मैं सिर्फ सेलों को जोड़ूंगा, आप उसके साथ में जुड़े हुए प्रतिरोधों को कल्पना करते चलेंगे। तो यहां पर मैं सेल को इस तरीके से जोड़ सकता हूं कि ये पहला सेल और ये हो गया दूसरा सेल, ठीक है। अब जो है यहां पर जो है आंतरिक प्रतिरोध इस तरीके से R, ये पहला आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा R और ये मान लो कि दूसरा आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा R जो कि इसके साथ में सीरीज में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि क्योंकि दोनों सेल जो है उनके धनात्मक प्लेट एक साथ और उनके ऋणात्मक प्लेट एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर जो है कुल मिला के जो EMF है उसमें जो है EMF E1, ठीक है, EMF, तो हम जो है जितने भी EMF यानी कि विद्युत वाहक बल जोड़ लें उसका फाइनल EMF जो है एक बराबर ही रहने वाला है, वो विद्युत वाहक बल में जो है उसकी मात्रा में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ऐसे ये कौन सा जो है संयोजन है, ये है समांतर संयोजन। तो यहाँ पर समांतर संयोजन हम लोगों ने देख लिया। अब जो है यहाँ पर कुल मिला के हमको विद्युत वाहक बल के बारे में पता चल गया। अब हम बात करेंगे कि आंतरिक बलों को किस तरीके से जोड़ा जाए। तो आंतरिक बल कैसे जुड़ेंगे, एक बटा आर वन बराबर एक बटा आर धन एक बटा आर। हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि हम लोगों ने एक जैसा एक बराबर प्रतिरोध और एक बराबर EMF लिया हुआ है। तो यहां से जुड़ेंगे तो हमको एक बटा आर का मान मिल जाएगा एक बटा दो आर, या फिर नहीं दो बटा आर, या हम ये बोल सकते हैं कि यदि हम लोगों ने इस प्रकार के N सेलों को जोड़ा तो हमको जो है उसका आंतरिक प्रतिरोध मिल जाएगा R डैश बराबर R बटा N। अब ये जो है हम लोगों को पता चल गया। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक है, तो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में यदि ये बहुत अधिक है तो हमको जो है विभवांतर कैसे, मतलब धारा का मान कैसे मिलेगा, तो धारा I का मान मिलेगा E बटा, और यहाँ पर जो है क्योंकि हम लोगों ने N ऐसे सेलों को जोड़ा हुआ है तो ये यहाँ पर मिल जाएगा हमको R बटा N और धन बाह्य प्रतिरोध R। और इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि सेलों को जो है जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसके आंतरिक प्रतिरोध के मान में कमी आती है और इस तरीके से धारा का मान बढ़ता है।
तो जब भी हमारे पास में कंडीशन क्या है कि आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में अधिक हो तो हम उसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे और इस प्रकार से जोड़ने पर आंतरिक प्रतिरोध के मान में कमी आएगी और हमें ज्यादा धारा प्राप्त होगी। लेकिन यदि जो है अब ये प्रश्न का दूसरा हिस्सा हो कि बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, मतलब बाह्य प्रतिरोध का मान जो है वो बहुत कम है, बहुत ज्यादा है किसकी तुलना में, आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, और ऐसी स्थिति में जब हम सेलों को जोड़ेंगे तो आप यहाँ देखिए कि हम लोगों ने ये सेल जोड़ा आर वन जोड़ा, ये दूसरा सेल जोड़ा और यहाँ आर टू जोड़ा, और इसी तरीके से हम एन सेल्स जोड़ रहे हैं। ऐसे में क्या होगा कि श्रेणी क्रम में क्योंकि हम लोगों ने सेल्स को जोड़ा है इसलिए कुल मिला के ईएमएफ जो है वो ईएम ई वन धन ई टू ई टू और इस तरीके से ई एन तक जाएगा। तो यदि हम लोगों ने एन समान विद्युत वाहक बल के जो है सेल्स को जोड़ा है तो ई का मान, ई डैश का मान क्या हो जाएगा, एन गुणा ई हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आंतरिक प्रतिरोधों की, तो आंतरिक प्रतिरोध किस प्रकार जुड़ेंगे, R डैश का मान हो जाएगा R1 धन R2 धन R, और इसी तरीके से यदि हमारे पास में N प्रतिरोध है तो ये RN तक। इस प्रकार से हम देखेंगे कि R डैश का मान यदि सारे के सारे आंतरिक प्रतिरोध एक जैसे हो तो NR हो जाएगा। अब हमें देखना क्या है कि यहाँ पर विद्युत वाहक बल E का मान N गुना बढ़ गया है और आंतरिक प्रतिरोध N का मान, मतलब आंतरिक प्रतिरोध का मान भी N गुना बढ़ चुका है, लेकिन क्योंकि ये R का मान, ये आंतरिक प्रतिरोध R का मान बाह्य प्रतिरोध R की तुलना में नगण्य है, ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि धारा हम निकालेंगे वो हो जाएगा एन ई और बटा एन गुणा आर धन आर, और इस तरीके से जो है यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान नगण्य हो तो हमें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अधिकतम धारा मिलती है। तो हम लोगों ने ये दोनों चीजें सीखी और इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीख गए, हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी सीखा, हम विभिन्न सेलों को आपस में कब और क्यों जोड़ा जाए इस बारे में भी चर्चा कर ली है। अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए तथ्यात्मक, तो आपसे पूछा जाएगा कि ठंड के दिनों में यदि आपकी कार की बैटरी खत्म हो गई है तो आप दूसरी कार की बैटरी से अपनी कार की बैटरी को चार्ज करने का प्रयास करेंगे, और ऐसी स्थिति में आप समांतर क्रम में जो है उसे जोड़ने का प्रयास करेंगे या फिर श्रेणी क्रम में, तो ये सारे सवाल इसी तरीके से उत्तर दिए जा सकते हैं। इसके बाद में हम मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने हेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का उपयोग कैसे करते हैं, या फिर जो है अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि और उपकरण का नामांकित रेखाचित्र सूत्र की स्थापना, ये कब पूछा गया है, 2022 में पूछा गया प्रश्न है, पिछले साल का ही है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको व्हीटस्टोन सेतु या मीटर ब्रिज के लिए विशेष तौर पर अलग से वीडियो बनाकर दिया गया है जिस पर यह पूरी बात पूरे डिटेल में समझाई गई है, वहां पर जो है आपको सावधानियां क्या रखनी है, वहां पर जो है आपके त्रुटि के स्रोत क्या क्या हैं, ये सारी चीजें बात की गई है। तो अगर आप जो है ये इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और उसके बाद में विद्युत धारा के पीवाईक्यू सेक्शन में जाकर, नहीं विद्युत धारा के सेक्शन में जाकर इस हेडिंग के साथ में बना हुआ ये वीडियो जरूर देखें। इस प्रकार से जो है हम लोगों ने बड़े प्रश्नों के बारे में चर्चा कर ली है, हम आंकिक प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे आपको इसी सीरीज में। अब पीवाईक्यू 3.2 के नाम से जो है आंकिक प्रश्नों का सीरीज दिखाई देगा, वो भी आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो जुड़ रहिए मेरे साथ में। आपको अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।